हाँ जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोगों का यही चैप्टर बचा है, नाइट्रोजन मैंने खत्म कर दिया था। वो आप लोग उसके लेक्चर देख लेना और अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं आपको आज और कल के लेक्चर में करवा दूंगा सारा फॉर योर एग्जाम्स। और इसका जो टॉपिक मैं करवाऊंगा, सारे टॉपिक आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? तो जो थोड़ा सा लिखने वाला काम ज्यादा रह जाएगा, है ना, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, राइट? तो राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी, ठीक है? ये चैप्टर बहुत लेंथी था, इसको बहुत कम कर दिया गया। इसमें से बैटरीज उड़ा दी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस उड़ा दी, तो काफी मेजर पार्ट इसको चैप्टर का हटा दिया गया है, ठीक है? वो मैं आपको जो कॉम्पिटेटिव पार्ट रह जाएगा इस बार के लिए, वो हम बाद में करेंगे। अभी जो आपको आना है एग्जाम में, पहले मैं वो करा, ठीक है? तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स जैसे करंट बनता है, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी को कैसे यूज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो वो सब है इसमें। तो मैं इसमें आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखवाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी जैसे, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब मैं नहीं लिखवा रहा। जो टॉपिक्स आने हैं या जो बेसिक टॉपिक है वो करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट डाउन। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका बहुत रोल है, इनका क्वेश्चन आता है पेपर, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक क्या होता है, ठीक है? कंडक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे होता है वो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो अब हम इसको समझते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट। लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखो विच, यहां पे सॉरी लिखो, विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, न्यूट्रलाइज बोले रहो, विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाएगा, विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स या विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कर लेते हैं दो दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल। आप लोगों के दिमाग में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट उसकी एग्जाम्पल बोलेगा कोई? एनीवन बोलो। एसिटिक एसिड, ओके। एसिटिक एसिड वीक होता है, बिल्कुल सही। और भी है जैसे कि NH4OH, इट इज ऑल्सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है, ठीक है? ये लिख लो, ये लिख लो, HCN लिख लो, ठीक है? तीन लिख लो, बहुत बहुत सारी हैं, हम तीन लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग में आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो, HCl, H2SO4, है ना, HNO3, तो ये सारे हो जाएंगे बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। राइट डाउन हरियर। आगे लिखो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कंडक्टेंस, राइट?
चलो मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर मेटल्स कंडक्ट करते हैं, मेटल्स कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कर्नल्स, है ना, मतलब कि जो उनके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री उसके कारण, और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है, कर्नल्स आयंस, ये कंडक्ट कैसे करते हैं आयंस के साथ। टॉपिक थ्रेटिकल टॉपिक है, इसको एक रीडिंग देनी है आपको सबको, ठीक है, लिख लो। इसका डिफरेंस कर लेना, इसका डिफरेंस रीड करना है सिर्फ, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस रीड करना है ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए बस। चलो अब लिखो फैक्टर्स, राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो बहुत आसान है, पहला पॉइंट नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इसमें आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो ये टॉपिक हमारा 2 या 3 मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स, अगर मेरे को लिखवाना पड़ गया ये 20 से 25 मिनट ले जाएगा, है ना, तो हमने ये नहीं करना हमसे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आंसर आपको देने है, अगर आप लोग आंसर देने में कैपेबल रहे तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और लिखवाना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग इसकी रीडिंग कर लोगे, ठीक है, नहीं तो मेरे को समझाऊंगा तो मैं सही, लिखवाना नहीं है, ठीक है। चलो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करेगी, एनीवन, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको अभी बताया दो तरह के होते हैं, तो उस पे कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी बोलो चार्ज। हाँ जी बच्चे, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है, कैसे, हाउ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एनीवन, श्रुति, रमनदीप, आकांक्षा, साक्षी बोलो, आवाज इसमें सही नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, वीक में जितने आयंस प्रेजेंट हो गए उसमें, हाँ, श्रुति बहुत अच्छी बात है आपकी, वेरी गुड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, हाँ, जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी कंडक्टिविटी होगी, तो वीक में आयंस कम होते हैं कंडक्टिविटी कम होगी, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होते हैं कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, चलो थ्योरी में नहीं आएगा, थ्योरी में नहीं डालते, टेंशन नहीं लेते। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, थर्ड पॉइंट साइज ऑफ आयंस, वो हम अभी करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगर बच्चे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हाई होगी तो आयंस इजीली मूव करेंगे या डिफिकल्टी से, मेरे को इतना बता दो बस, अगर डिफिकल्टी से, तो अगर डिफिकल्टी से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ विद द इंक्रीज इन विस्कोसिटी कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, सिंपल, ये आपको रीड करना है बुक में से, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, size of the ions produced and their solvation, this is very important point, very important, size of the ions produced and their solvation, size of the ions produced
एंड देयर सॉल्यूशन। बच्चे मेरी बात सुनो, आपको पता है सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, कौन से आयन की होती है? एनीवन? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है? चलो छोड़ो, कौन जो छोटा होगा? वेरी गुड। सबसे छोटा कौन सा आयन होता है? सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या होता है बच्चे? लिथियम जो होता है ना, लिथियम के पास न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होता है, साइज भी छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होता है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन शो करता है लिथियम। लेकिन अब इससे होगा क्या? हाइड्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्वेशन, सेम मतलब होता है, ठीक है। तो लिथियम आयन बच्चे हैं, लिथियम आयन वाटर के साथ घिरा होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर ये घिरा होएगा तो इसको मूव करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, मोर द हाइड्रेशन लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। यहां पे एक लाइन इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है, पेज के ऊपर लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, मैं दो लाइनें बोल रहा हूं, दोनों लाइन में समझ आ जाएगा। स्मॉलर द साइज मोर विल बी द सॉल्वेशन, ठीक है। और उसके बाद मोर द सॉल्वेशन या हाइड्रेशन लेसर विल बी द कंडक्टिविटी, ठीक है, लिख लो, मोर द सॉल्वेशन लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। उसके बाद एक पॉइंट आता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आगे जाके भी आएगा टॉपिक दोबारा। फोर्थ पॉइंट, दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ, राइट डाउन बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वेट, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसका आंसर देने की कोशिश करो, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चे, जब हम कोई भी सॉल्यूट पानी में डालते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मैं अभी स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, वीक की बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने एक मोल डाल दिया, तो एक मोल में से वो बहुत ही कम आयोनाइज हुआ होगा, ठीक है। तो आयोनाइज कम होगा तो कंडक्टिविटी तो आयन्स के कारण होती है। आप अगर कंसंट्रेशन और बढ़ा दो, बढ़ाए जाओ कंसंट्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयन्स बहुत कम रहेंगे, राइट। तो इससे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन को हम कम करते हैं, यानी कि जब हम डिल्यूशन करते हैं, डिल्यूशन से पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये बीकर है और हमने ये बीकर बड़ा कर दिया और इसमें पानी ज्यादा डाल दिया, जितनी ज्यादा डिल्यूशन करोगे उतने आयन्स और बनेंगे, मोर आयन्स, लेस आयन्स। मालूम, मैंने यहां पे कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर, ठीक है, और यहां मैंने 10 टाइम्स डिल्यूट कर दिया तो कंसंट्रेशन होगी 0.01 मोलर। तो यहां पे बच्चे आयन्स फिर भी उसके कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि मोल्स तो उतना ही है, लेकिन यहां पर डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, टूटने लग जाएंगे, जितनी ज्यादा डिल्यूशन करेंगे डिसोसिएशन बढ़ती है, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हुआ, विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो ये पॉइंट। ओके, तो देखो बच्चे, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक में आयन्स कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है, अगर विस्कोसिटी हाई रहेगी कंडक्टिविटी कम, साइज एंड सॉल्वेशन, और अगर सॉल्वेशन उसकी ज्यादा होगी, मतलब कि हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका आगे जाके हम ग्राफ भी करेंगे, ठीक है, तो अभी मैं ऐसे थ्रेटिकल बता रहा हूं, तब एक बार दोबारा आएगा टॉपिक तब करेंगे डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, डिल्यूशन करने पे क्या होता है बच्चे, पार्टिकल्स में जो फोर्सेस होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, पार्टिकल टूटने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा बीच में आने शुरू हो जाएंगे ना,
और अगर पार्टिकल टूटेगा तो डिसोसिएशन बढ़ रही है, और डिसोसिएशन अगर बढ़ेगी तो बच्चे आयंस बढ़ रहे हैं मतलब, और आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। लिखो लिखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डिल्यूशन। नेक्स्ट लिखो पॉइंट टेम्परेचर। हाँ जी हाँ जी, वीक बच्चे वीक पढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग के केस में ना इफेक्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इफेक्ट बच्चे निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये हम वीक के लिए पढ़ रहे थे, राइट। मैं अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग के लिए निग्लिजिबल क्यों होता है। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में पता क्या होता है, क्या होएगा आप लोग सोचो, स्ट्रॉन्ग में आयंस जैसे मान लो मैंने एचसीएल लिया, मैंने बाद में एचसीएल लिया है ना, तो एक मोल एच पॉजिटिव होएंगे, एक मोल सीएल नेगेटिव होएंगे, पहले से ही टूट चुके हैं, पानी डाला कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और वहां पे बच्चे आपने ना दो टर्म्स लिखी है, अभी आपने कंडक्टिविटी लिखा है उसको कंडक्टेंस कर लो, कंडक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट टर्म होती है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी अभी शुरू हो जाएगा वो टॉपिक। कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टेंस कर लो, क्योंकि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। कंडक्टिविटी होती है बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया में कितने आयंस हैं, ठीक है, तो वो अलग डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर सेल में कितने आयंस हैं, तो ये टॉपिक अभी आएगा, अभी डिटेल में समझाऊंगा फिर समझ आएगा, ठीक है। चलो राइट डाउन नेक्स्ट, टेम्परेचर लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी वीक के लिए ही है, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन interactions between ions, due to decrease in interaction between ions, आगे लिखो electrolytic conduction, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, numerical। तो ये सारा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एक बार दोबारा पढ़ो। फर्स्ट ओम्स लॉ, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, पढ़ लिया। प्रोपोर्शनलिटी हटी, कांस्टेंट आया आर, राइट, लिख लो, राइट डाउन, और आपको इनके यूनिट्स पता है, V के यूनिट्स वोल्ट, एक I के एम्पियर और R के ओम, ठीक है। चल इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस, लिखो एक लाइन लिखो, लिखो लेट अस एक्सप्लेन सम बेसिक टर्म्स, लेट अस एक्सप्लेन सम बेसिक टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन Commonly used in electrolytic conductance. First term, resistance. आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है, अगर रास्ता ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं, फिजिक्स में आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा रास्ता खुला होगा उतना इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे, राइट, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है।
और आर ट्रिकी प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चे, लगा बोलना जरा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने तो ये लिख दिया, हाँ जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, एंड आर इज इक्वल टू एरिया और प्रोपोर्शनल टू हटा के एल फॉर्मिंग, आर आ गया किसके इक्वल, रो एल बाय एल, ठीक है, और इसके यूनिट्स लिख लो ओम, यहां पे क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है केमिस्ट्री में भी आता है ना, ये टर्म बच्चे कांस्टेंट है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसका लेंथ एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, लेंथ एरिया चेंज करने पे इससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट है, राइट। चलो आप लोगों ने सारा किया हुआ लेकिन मेरा फर्ज है एक बार आपको बता दूं, दोबारा रिकॉल हो जाएगा, राइट डाउन नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बाय चांस आपको पेपर में याद ना रहे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है तो आप लोग इनके यूनिट्स देख के करोगे इसको, ठीक है, अगर याद ना रहे तो, ठीक है, इट्स रेजिस्टिविटी, तो आर क्या आ गया, आर रो एल बाई एंड फ्रॉम हियर रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, R equals to, ठीक है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है ना, कर लो, इसके यूनिट क्या है बच्चे, यूनिट्स हाँ, लेकिन फिजिक्स में हम मीटर से यूज करते हैं और केमिस्ट्री में सेंटीमीटर, ऐसा क्यों बताएगा कोई, आप लोग फिजिक्स में ज्यादातर जगह मीटर यूज करते हो, बोलो क्या बात है, केमिस्ट्री में जो सेल्स होते हैं हमारे पास वो छोटे होते हैं ना, तो उनको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, चलो राइट ऑन नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी के बाद आते हैं बच्चे कंडक्टेंस, थर्ड कंडक्टेंस,